हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द करियर एकेडमी। दोस्तों, एक बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। पावर ग्रिड में कुल 800 पद है। आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट से इसमें अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं 15/11। और पावर ग्रिड PGCIL एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज, भारत सरकार का इंटरप्राइज है। और इसमें जो वैकेंसीज आई हुई हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, 50 पोस्ट है। अन्य रिजर्व की, OBC की, SC की, ST की, EWS की, सब की पोस्ट यहाँ पे दी गई है। टोटल पोस्ट 50 है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है 15 पोस्ट। फील्ड इंजीनियर IT की 15 पोस्ट है। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की 480 पोस्ट है। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स की 240 पोस्ट है। और इसी के साथ है फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की के लिए जो यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए कैटेगरी दी गई है। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की दी गई है। फील्ड इंजीनियर IT की दी गई है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। अपर एज लिमिट दे दी गई है यहाँ पर कि 29 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 11/12/2022 में। यानी कि बर्न जो आपका होना चाहिए बिफोर 11/12/1993 और आफ्टर 11/12/2004। जॉब का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। हर एक पोस्ट के लिए पोस्ट आईडी दी गई है और उसके जॉब के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल के लिए दिया गया है। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम BE, BTEC, BSc इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन इक्विवेलेंट इसमें दिया गया है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और 55% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप SC ST PW BD हैं तो आपको केवल पास हैं तब भी चलेगा इसमें, ठीक है। और कौन कौन सी डिसिप्लिन इसमें आएगी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगी, पावर की इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। फील्ड एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। फील्ड एक्सपीरियंस आप देख लीजिए, इस चीज़ की फील्ड एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी सेम डिग्री मांगी गई है, BE, BTEC आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो डिसिप्लिन इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन सभी डिसिप्लिन के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। IT की बात करते हैं तो IT में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BE, BTEC अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की है तो फुल टाइम डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है, इसके इक्विवेलेंट सेम कंडीशन दी गई है। 55% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप SC ST PW BD से बिलोंग करते हैं तो केवल पास मार्क पे यहाँ पे चलेगा। हायर क्वालिफिकेशन, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTEC, BE, MTEC, ME, etc. विद आर विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अलाउड नहीं है। इसमें केवल और केवल डिप्लोमा के स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। जो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं वो फील्ड इंजीनियर की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा मांगा गया है? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी इसी तरह से मांगा गया है। इसमें भी BTEC, MTEC और ME BE को अलाउड नहीं किया गया है। और आगे यहाँ पे कुछ और कंडीशंस दी गई हैं। दोस्तों, फील्ड इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे पोस्ट आईडी दी गई 208, 209, 210। इसके लिए पे कितना दिया गया है? 30,000 से लेके 1,20,000 तक पे स्केल रहेगी, जिसमें 3% पर एनम जो है इंक्रीज करेगा। इसके साथ साथ है इंडस्ट्रियल इनिशियल बेसिक पे जो होगी वो 30,000 होगी। इंडस्ट्रियल DA होगा, HRA होगा और पर्क्स होंगे, ये सब इसके साथ जुड़े होंगे। पर्क्स जो होगा मैक्सिमम एट द रेट ऑफ 35% ऑफ बेसिक। तो यहाँ पे सैलरी जो है काफ़ी अच्छी आपकी होने वाली है, क्योंकि 30% तो ये हो गया, इसका 35% जो है आपको पर्क्स मिल जाएगा। इसी का सैलरी का 35% जो हो जाएगा करीब आपका 18-19 हज़ार, वो भी इसी में जुड़ जाएगा, यानी कि 48,000 हो गई। उसके ऊपर DA लगेगा, फिर HRA लगेगा, तो ये 60,000 के आसपास सैलरी जो है आपकी इसमें स्टार्टिंग में ही पहुंच जाएगी। आगे इसमें लिखा हुआ है अनसक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एवरी ईयर ऑफ एंगेजमेंट द कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल बी एलिजिबल फॉर एनुअल इंक्रीमेंट। तो इसमें ये लिखा हुआ है क्योंकि ये पोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट की है, तो
हर साल 3% आपका बेसिक जो है इसमें बढ़ता जाएगा। आगे सुपरवाइजर की बात करते हैं, सुपरवाइजर की जो पोस्ट है सेम कंडीशन यहाँ पर भी दी गई है, पर सिर्फ 35% यहाँ पे भी दिया गया है, सब कुछ उसी तरह से है, बस यहाँ पे स्केल थोड़ी सी चेंज हो गई है, 2300 से ले कर 1,05,000 तक की पे स्केल इनको दी गई है। ठीक है, अदर बेनिफिट्स इसमें क्या दिया गया, HRA विल बी पेड एज पर HRA रूल्स ऑफ पावर ग्रिड, कॉन्ट्रैक्ट पर्सन विल बी एंटाइटल्ड फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ ऑफिशियल मोबाइल कॉल चार्ज रेंटल एज पर एक्सटेंड पॉलिसी। आगे EPF, EPS, MP ये सारी चीज़ें और ग्रेचुटी 1972 ये सारे चीज़ें इस पर लागू होंगी, ये सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। 12 दिन की कैजुअल लीव, 10 दिन की सिक लीव मिलेगी, 30 दिन की अर्न लीव मिलेगी साल में, और इसको इंक्रीज भी मतलब इनकैश भी करवा सकते हैं, लीव को इनकैशमेंट भी चलता है पब्लिक सेक्टर में, तो इनकैश भी आप करवा सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जो भी चीज़ें पावर ग्रिड देता है अपने रेगुलर एम्प्लॉइज़ को वो सभी चीज़ें इस कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पे भी दी जा रही हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सिलेक्शन विल बी इन्वॉल्व इंटरव्यू ओनली ऑफ द एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, और शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और मैनेजमेंट के पास उसमें उसका राइट होगा मैनेजमेंट का कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड है क्राइटेरिया उसको बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। स्क्रीन टेस्ट इफ़ कंडक्टेड, रिटर्न एग्जाम होगा या नहीं होगा इसके बारे में कभी कुछ नहीं कह सकता, ये जो अप्लाई करेंगे लोग उसके जो फॉर्म आएंगे उसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा। आगे दिया गया है द स्कीम ऑफ द टेस्ट वुड बी एज फॉलो। तो यहाँ पर टेस्ट किस तरह से होगा, यहाँ पर दिया गया कि 1 घंटे का टेस्ट होगा, जिसमें टेक्निकल नॉलेज टेस्ट 50 क्वेश्चन के होंगे बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग सिलेबस इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा 25 क्वेश्चन के होंगे, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रेशन एंड कम्प्रिहेंशन, वैकुलरी डाटा सफिशेंसी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की प्रश्न पूछे जाएंगे, और सभी में 4 ऑप्शंस होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होगा, 40% नंबर लेके आना होगा आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 30% नंबर जो लाना होगा आपको अन्य कैटेगरी जो कि रिजर्व कैटेगरी में आती हैं उनके लिए। इसी तरह फील्ड सुपरवाइजर की बात करें तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेस्ड ऑफ स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेंट विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिजायर्ड एक्सपीरियंस प्रोफाइल एंड स्क्रीनिंग टेस्ट ऑन द ऑफ द कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल आफ्टर स्क्रूटनी। तो यहाँ पर स्क्रूटनी की जाएगी, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और उसमें भी सेम उसी तरह टेक्निकल नॉलेज 50 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि फील्ड इंजीनियर में होगा सेम टू सेम उसी तरह से फील्ड सुपरवाइजर में भी होगा, दोनों के सिलेबस केवल अलग अलग होंगे। और एप्लीकेशन फ़ी कितनी पड़ने वाली है, फील्ड इंजीनियर के लिए 400 रुपये और फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपये। और आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया फॉर्म को फिलअप करने का तरीका दिया गया है, वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर वो फॉर्म फिलअप करना है, और फ़ोटो वगैरह आपको कैसे लगानी है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों ये किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस PDF को भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा रहा है, जहाँ पर आप जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं और अन्य चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। डेट्स के बारे में एक बार ज़रूर देख लेते हैं, यहाँ पर ओपनिंग डेट जो है 21/11/2022 है, और क्लोजिंग डेट जो है 11/12/2022 है, यानी कि 11 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। कट ऑफ जो है फॉर द पर्पस अपर एज लिमिट जो लिया जाएगा वो 11/12/2022 की डेट से लिया जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो बाद में डिसाइड किया जाएगा और वेबसाइट पे डाला जाएगा, उसको हम भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।